क्लैश एट द कैसल में हारने के बाद ड्रू मैकएंटायर आज मंडे नाइट रॉ में अपीयर हुए थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि सच में वो बहुत ज्यादा अपसेट हैं और उन्होंने ऑडियंस के सामने ही बोल दिया कि आई क्विट, जिसके बाद वो WWE अरीना से चले जाते हैं और जाते जाते वो ट्रिपल एच से कुछ तो बोल कर जाते हैं जो उन्होंने CM Punk को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था और एडम पियर्स उनको रोकने के लिए उनके पीछे पीछे जाते हैं। तो भाइयों कैसे हैं आप लोग, आज मेरे पास WWE से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज एंड अपडेट्स हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आज के शो में सेथ रॉलिंस ने अनएक्सपेक्टेडली अपना रिटर्न किया था बिल्कुल एक नए लुक के साथ और सच में उनका रिटर्न हम सब के लिए अनएक्सपेक्टेड था। रिटर्न के साथ ही उन्होंने डायमंड प्रिस्ट को चैलेंज कर दिया है फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मनी इन द बैंक में और WWE ने इस मैच को भी ऑफिशियल कर दिया है। और भाइयों आज वो दिन आ ही गया जब फाइनली अंकल हाउडी के पूरे फैक्शन ने अपना डेब्यू कर लिया हो मनी नाइट रॉ में। भाई रॉ के एंडिंग मोमेंट में जो नजारे थे, वैसा सिनारियो मैंने रिसेंटली कभी नहीं देखा था। इतनी ज्यादा ब्रुटैलिटी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे तो लगता है बैक से जो भी उनके रास्ते में आया होगा उन सब की बैंड बजा दी गई होगी और WWE ने इनका डेब्यू सच में एक एक्सट्रीम लेवल पर दिखाया है। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि जो हमला चैट गेबल पर हुआ था और उसे ऐसा दिखाया गया था कि चैट गेबल पर अंकल हाउडी की टीम ने अटैक किया है, लेकिन मुझे लगता है कि चैट गेबल का गेम ओटिस नहीं बजाया है और चैट गेबल पर अटैक करने के बाद वो और उनके टीममेट्स वहाँ से चले जाते हैं। आपका इस पे क्या मानना है, आप अपनी राय हमें कमेंट में बता सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।